दोस्तों कैसे, स्वागत है आपका एक केएल कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक आ गया एनिमल सेल। क्या है दोस्तों? एनिमल सेल। एनिमल सेल कहने का मतलब जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका के बारे में समझेंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों अपने दोस्तों का शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह नॉलेज मिले। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो कोशिका, जंतु कोशिका है, ये वाला भाग, ये इसे कहते हैं क्या, पहले ये जानेंगे दोस्तों। इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, झिल्ली को मेम्ब्रेन बोलते हैं, या कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसी को कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं दोस्तों। या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है, ये पता है किस चीज़ का बना होता है? ये प्रोटीन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है ये प्लाज्मा झिल्ली या प्रोटीन। दोस्तों एक और बात ध्यान रखें कि अक्सर देखा जाता है कि किसी के मुंह से सुने होंगे, कोशिका के सभी अंग किस में रहते हैं? कोशिका के सभी अंग किस में रहते हैं? कोशिका झिल्ली में रहते हैं। अगर कोशिका झिल्ली नहीं रहेगी तो हमारे माइटोकांड्रिया, गल्जी बॉडी वेक्यूल्स इधर उधर बिखरे नजर आएंगे। हमारे शरीर में कोई किधर भी चला जाएगा, कोई लिमिट नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, इसको समझने के लिए दोस्तों आप लोगों के सामने एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ। आप लोग अक्सर चाय वो चाय तेल वेल कोई ले मार्केट से लाते होंगे तो दुकानदार क्या करता है कि वो डबल पन्नी कर देता है। पता है किस लिए? क्योंकि वो लिक्विड चीज़ है, वो फट भी सकता है, इसीलिए वो डबल पन्नी में देता है। तो इसी तरह भगवान ने किसी में डबल प्लास्टिक और किसी में सिंगल प्लास्टिक लगा देता है। जितने जानवर थे उनमें भगवान ने दो चीज़ें दिया, कौन कौन से? पहला बुद्धि और दूसरा मोटी परत की चमड़ी। दोस्तों ये काफी, ये भगवान ने जानवरों को इतनी समझदारी दी कि क्या कहें, दो चीज़ दी, पहला बुद्धि, उसके बाद क्या दे, मोटी पर चमड़ी की। ठंडी के दिन में क्या कहता है कि जानवर लोग मोटी परतों के वजह से, उन लोग बाल होता है मोटी परत पे, वो ठंडी की वजह से वो अपने बाल खड़ा करते हैं, ठंडी नहीं लगता। कभी सुने कि सर में ठंडी लगता है? कभी नहीं सुने होंगे। और वही टकला करवा लीजिए ना, लगता है कोई सरे लगे चला गया। देखें आप कभी वैसे ही देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं जो पेड़ पौधे हैं दोस्तों, वो बेचारे तो वो मारे जाते हैं, समझे, वो मारे जाते हैं। कहीं चिड़िया उसको खोद के घोंसला बना लेती है, आदमी तोड़ फोड़ कर देता है उसके, आदमी उसी पर अटंग रहता है। अरे भाई उसको चोट लगा, उसके उसका कोशिका नष्ट हो रहा है, उस पर क्यों उड़ रहे हो, उसको क्यों छेद रहे हो? ये तो भगवान ने सोचा कि इस पेड़ को तो बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इसको कुछ सेफ्टी देना पड़ेगा। तो क्या किया, ये कोशिका है ना, कोशिका ऊपर का जो कोशिका झिल्ली है, इसके ऊपर से एक इस प्रकार का रचना बना दिया। तो इसको क्या नाम दिया, जितना वैज्ञानिक है वो इसका नाम पता है क्या दे दिया, कोशिका वाल, यानी सेल वाल। इसको कोशिका दीवार, दीवार को इसको कर दिया कोशिका दीवार। पेड़ पौधे में ये डबल दीवार कर दिया। पेड़ पौधे में जो एक्स्ट्रा सेफ्टी रहता है उसे पता है क्या कहते हैं? कोशिका दीवार। क्या कहते हैं? कोशिका दीवार। दीवार दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पेड़ पौधे के जो एक्स्ट्रा सेफ्टी होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका दीवार कहते हैं। दोस्तों एक और जानकारी ले लें यहाँ से कि सेल वाल है जो ये कोशिका भित्ति है, ये आखिर बना किस चीज़ का होता है? तो सबसे पहले आप लोग जान लें ये सेलुलोज का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? सेलुलोज का। एक और बात ध्यान रखें, जितना ये गांधी जी का पैसा है, चाहे कागज, जितना कागज उधर कागज बनता है, तो पता है किस चीज़ का बनता है? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज के एक और ध्यान रखें, सेलुलोज हम अगर हम लोग खाते हैं तो पेट में नहीं पचता है, हम लोग को सिर्फ पचता है ग्लूकोज पचता है, हम लोग को सेलुलोज नहीं पचता है। तो बचपन में कभी याद किए होंगे कि किताब उताब को कोने फाड़ के खा जाते हैं, लेकिन वो पहले बचपन की पुरानी बातें हैं, लेकिन अब समझदार आदमी हो जाता है तो नहीं खाता होगा लोग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग दोस्तों ये जान लें कि हमारे शरीर में कितने कोशिका होती है। तो दोस्तों अगर आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं तो मेरा राइट आंसर होगा, देख सकते हैं अनेकों होगा। हमारे शरीर में जैसे नाक का, आँख, कान, बाल, पैर, किडनी उडनी सब में कोशिका होता है, और इस सब में कोशिका होता है तो इन सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, इस सब की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़े को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है,
इसको समझने के लिए आप लोगों को सिंपल सी एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों। जैसे हम आमतौर पर अपने घर के छत पे जो पानी टंकी लगा रहता है उसमें पानी स्टॉक रहता है, उससे पाइप सप्लाई देता है घर और में किचन विचन में नल उल सप्लाई देता है, तो वहाँ नल खोलते हैं पानी आता है, वहीं से ही यहाँ पे फेफड़े का काम होता है। ठीक है दोस्तों, ये जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है और वहाँ से नसों के माध्यम से चारों ओर भेज देता है हर एक कोशिका में। ये भी जान रहे हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, चाहे हमारे नाखून हो या बाल हो, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है, सारे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है दोस्तों। जो फेफड़ा होता है वो केवल हवा के स्टोरेज की क्षमता देता है। ठीक है दोस्तों, ये फेफड़वा होता है, फेफड़वा जब हम सांस लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रहता है, तो ये फेफड़वा होता है ना बड़ा होशियार होता है। ये पता है क्या करता है, कहता है कि जो ज़रूरत रहता है जिसको ज़रूरत नहीं रहता उसको हटा देता, कहता है ए कार्बन डाइऑक्साइड भाग होने नाइट्रोजन तो वो भाग कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरी होता है, आओ आओ जल्दी। जो ऑक्सीजन होता है ब्लड के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। ठीक है दोस्तों, तो ब्लड में भी सबसे मेन चीज़ कौन होता है, सबसे मेन चीज़ वो होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। यानी कहने का मतलब कि ऑक्सीजन को वास्तव में, मैंने कहने का मतलब कि ऑक्सीजन को ऐसे सिंपल में तो ब्लड ले जा रहा है लेकिन रियल में ले जाता है हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन को वो भी खून में होता है, खून में क्या होता है हीमोग्लोबिन होता है, और उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ढोक ले जाता है। ठीक है दोस्तों, हीमोग्लोबिन ले जाता है। ऑक्सीजन का पहुंचना हमारे शरीर में हर एक जगह पहुंचना बहुत अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। जैसे हम लोग दोस्तों जो धावक होता है वो दौड़ता है तो उसे सबसे पहले सबसे ज़्यादा कहाँ पे उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, कहाँ पे उसको ऊर्जा की खपत होगी, सबसे पहले उसके पैर में ज़्यादा जो बोलता है उसको कहाँ सबसे पहले जीभ में एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसे ही यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ऑक्सीजन हमारे हाथ में नहीं पहुँचे तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन नहीं हमारे हाथ में नहीं ले जाए तो वहाँ से हाथ झिन जाता है, सर में नहीं चक्कर आने लगता है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अपने बुक में नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हीमोग्लोबिन कम होता है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हीमोग्लोबिन कम होता है। महिलाओं में अधिकतम मात्रा में देखते हैं कि पुरुष कम बेहोश होता है, अधिकतम महिला बेहोश हो जाती है कि इसलिए कि उन लोग का जो गर्दन है सर पे वहाँ से हीमोग्लोबिन उन लोगों में तो ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन कम होता है। और ऑक्सीजन कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन लेता है। ऑक्सीजन सामान ढोने वाला ही कम पड़ जाए तो आदमी के ऊर्जा ही नहीं मिल पाएगा, वो ऑटोमेटिक बेहोश होना ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो ऑक्सीजन तो माइटोकांडिया में पहुँच जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन क्या करता है, क्रिप्स साइकिल चलाने लगता है। साइकिल, क्रिप्स साइकिल का नाम सुने, साइकिल चलाने लगता है, वहीं पर साइकिल चलाते चलाते रहता है और क्या करता है 38 ATP अणु का निर्माण करता है। वो 38 ATP अणु क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, निर्माण करने लगता है और इससे हमें एनर्जी मिलने लगती है, हमारे पूरे शरीर में एनर्जी की उत्साह बढ़ते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिका के पावर हाउस किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, किसे कहते हैं कोशिका के पावर हाउस, तो दोस्तों माइटोकांड्रिया को कोशिका के पावर हाउस कहते हैं। कोशिका के ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो माइटोकांड्रिया कहते हैं। किसी भी चीज़ में दो दीवारें होती हैं, एक बाहर की दीवार एक अंदर की दीवार। ठीक है दोस्तों, वैसे ही माइटोकांड्रिया में होता है, एक बाहर का दीवार होता है एक अंदर की दीवार होता है। तो दोस्तों अंदर की दीवार थोड़ा साफ सुथरा रहता है तो उसे क्या कहते हैं, माइटोकांड्रिया के अंदर की दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए ताकि यह नॉलेज उनको भी मिले दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत।